सही बता रहा हूँ, ऐसा थोड़ी है, थोड़ी है। मैं पैदा अकेला हुआ हूँ, अकेला नहीं। एक मतलब पढ़ता हूँ, तमाम बुजुर्गों की दुआएं चाहता हूँ। मौलाना दिलबर साहब, दिलबर के सामने दिलबर चुपचाप हो तो ये दिलबरी कैसी कैसी। जी जी जी, मैं मतलब हाजिर करता हूँ। ना तुम चला दे, वाह वाह दिलबर भाई, ना तुम चला दे ओ दुनिया, ना हम चलाते हैं। बाबा ना तुम चला, न तुम चलाते हो दुनिया, न हम चलाते हैं। खुदा के फजल से शाहे उमम चलाते हैं। अब जिन्हें अपना नसीबा बेदार करना वो सुभान अल्लाह कहना। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, कल नवादा, विष्णुगढ़ नवादा नहीं, हसुआ नवादा, जगह का नाम अकबरपुर। तकरीबन दसवीं बार इस शेर को पढ़वाया गया, पूरा स्टेज उलमाए किराम से खचाखच भरा हुआ था। और अल्लाह की कसम खा के कहते हैं, हजरत बहुत दिनों के बाद ऐसा स्टेज मिला था जो एक भी आलिम खामोश बैठाई। ये खामोश रहने वाली बीमारी जो है मेरे गिरिडीह में है। जो बात साफ है वो बोलता हूँ, खामोश रहने वाली जो बीमारी है, हर कोई समझता है हम मुफ्ती आजम है, मुफ्ती नहीं समझता, मुफ्ती आजम समझता। अरे भाई, अगर आप बड़े हैं तो छोटों पर शफकत कीजिए। मैं एक शेर पढ़ने लगा हूँ, कल दसवीं बार पढ़ाया गया, आज एक बार सुन लीजिए, बड़ा एहसान होगा। मैं यही सोच के आया हूँ कि बस एहसान करते जाओ, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ठीक है, ठीक है। एक काम आप लोग करना, जितने कैमरा वाले हो, एक काम जरूर किया करना कि साइड में लगाया करना। आप लोग बैठ करके ना सामने सब कुछ रोक देते हो, ना सुभान अल्लाह की आवाज आने देते हो, ना और कुछ करने देते हो। तो इसलिए बराए मेहरबानी, वो देखो भाई कैमरा लगा के पीछे है, तो आप लोग भी मेहनत करो और कैमरा ले लो। इंशाल्लाह अल्लाह सबको तरक्की दे। ये दीन इस्लाम का काम करते हैं। आजकल हमारे पास सोशल मीडिया में से कुछ नहीं, इतनी पब्लिक अगर किसी नेता के पास पहुंच जाए, वो फोटो और वो मीडिया वाला, सर आप कल क्या करने वाले हैं, सर आप परसों क्या करने वाले हैं, हम लोग के पास यही सब है। तो ये बढ़िया पूंजी है, लेकिन मेरी गुजारिश होगी कि राबता जो लोगों से होता है वो कट जाता है आप लोगों की वजह से। तो आप लोग मेरे दिल के अंदर रहिए, मगर सामने मत रहिए। न तुम चलाते हो दुनिया, न हम चलाते हैं। देखना, अगर पढ़ पाओगे तो हम कुछ कहेंगे नहीं, अगर पढ़ पाओगे तो पढ़ना। बहुत खूबसूरत बना है विद्वान भाई। न तुम चलाते हो दुनिया, ना तुम चलाते हो दुनिया, ना हम चलाते हैं।
फजल से शाहे उम्म चलाते हैं। खुदा के फजल से शाहे उम्म चलाते हैं। बहुत अच्छा, आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरे साथ पढ़ना है। न तुम चलाते हो दुनिया न हम, खुदा के फजल से शाहे उम्म। अब शेर सुनिए। कुछ नहीं करना है आपको, ना खड़ा होना है, ना बैठना है, ना सोना है, बस सुनना है। न तुम चलाते हो दुनिया न हम, खुदा के फजल से शाहे चलाते हैं। नसीब पहले मदीने मिला या जाता है, है क्या नसीब पहले मदीने या जाता है, फिर उस पेशागे मदीना कलम चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सारे इंटरनेशनल जमीन मुस्तफा की गगन मुस्तफा का, सुभान अल्लाह, जमीन मुस्तफा की गगन मुस्तफा का, ये दोनों जहां है वतन मुस्तफा का। अरे कली मुस्तफा की, ये गुल मुस्तफा का है, सारा का सारा चमन मुस्तफा का। माशाल्लाह। नसीब पहले क्या बात है, क्या तेवर है। नसीब पहले मदीने में लाया जाता है, फिर उस पेशागे मदीना कला चलाते हैं, सुभान अल्लाह। और एक शेर सुन लीजिए, ऐसा शेर कभी कभी सुनने को मिलता है, जैसा शेर मैं पढ़ने वाला हूँ। एक एक कोई एक भाई, सब नहीं, कोई एक भाई कह दे सुभान अल्लाह। बहुत मैंने एक को कहा था, बहुतों ने बोल दिया, और इसलिए मैंने एक कहा था कि हर वो खुश नसीब समझे कि वो एक मैं हूँ। क्या बात है, क्या बात है। शेर सुनिए, सुनिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये किसका हिंदुस्तान है, देख लो भैया, ये हमारा गिरिडीह है। हाँ, है ना, है ना। किसका हिंदुस्तान है, माशाल्लाह। और यहाँ ख्वाजा के गुलाम रहते हैं, है कि नहीं। एक शेर पढ़ता हूँ, ख्वाजा के गुलामों के नाम एक शेर। नसीब पहले मदीने में लाया जाता है, फिर उस पे शाहे मदीना कलम चलाते हैं। मजारे ख्वाजा से ये क्या चलाए के भारत को हम चलाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बतों के हंसी गुलसिता में रहते हैं, बहुत सुकून से दारुल अमा में रहते हैं। हमारा बाल भी फीका ना कर सकेगा कोई, हम अपने ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं। मजारे ख्वाजा से आवाज़ आ रही है,
ये क्या चलाए कि भारत को हम बहुत अच्छा अल्लाह सलामत रखे। बहुत खूबसूरती से आपने सुना, एक मतलब में पढ़ने वाला हूँ।